रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। मानसून के ट्रेलर से ही मिर्जापुर में हुआ जलभराव। उत्तर प्रदेश के अदलहाट मिर्जापुर स्थानीय बाजार के अदलहाट सेरवा मार्ग पर शर्मा मोड़ मुख्य मार्ग पर मानसून के पहले ही बरसात में जल जमाव व कीचड़ होने के कारण दो पहिया वाहन सवारों के साथ ही पैदल यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड दो द्वारा अदलहाट सेरवा मार्ग पर बाजार के दोनों पटरियों के किनारे पक्की नाली बनवाई गई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता के चलते नाली पड़ गई है, जिसके कारण पानी का निकास न होने से मुख्य मार्ग पर पानी जमा है, जिसके चलते पैदल यात्रियों के साथ ही दो पहिया वाहन चालकों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पैदल यात्री के जाते समय कहीं बस या अन्य बड़े वाहन आ गए तो राहगीरों को गंदे पानी के छींटों से सरोवर हो जाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा इस संबंध में तहसील दिवस पर अधिकारियों से मिलकर बंद नाली को साफ कराने हेतु कहने पर भी कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार संगठन के अध्यक्ष अनिल सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, संतोष सीमाराम सिंह, दिनेश गुप्ता, रिंकू पटेल, मनोज सिंह, मनीष सिंह, प्रशांत गुप्ता, पप्पू सिंह तथा अन्य लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बंद नालों को खुलवाने की मांग की है, जिसमें आम नागरिकों को समस्या से निजात मिल सके। आपका शुभ नाम? आपके जो क्षेत्र में जल निकासी की समस्या है कितने दिनों से बनी हुई है? हर साल बरसात में ऐसी बनी रहती है समस्या, जो थोड़ा भी बरसात होगा पानी तुरंत भर जाता है, जिससे राहगीरों का समस्या होती है, दुकानदारों को समस्या होती है, जो क्षेत्रीय जनता उसको परेशानी होती है। आपने समस्या को अपने जनप्रतिनिधि और लोगों से अवगत कराया है समस्या के बारे में? जनप्रतिनिधि को समाचार पत्र के माध्यम से पर्सनल मैसेज जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इलेक्ट्रिक गिट्टी गिरवा दी उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पानी आज तो काफ़ी बरसात हुई, जिसकी वजह से काफ़ी भर गया है, घुटने तक पानी है। यहाँ का विधायक का इस सड़क में जल निकासी के प्रति उनका क्या कहना हुआ? विधायक का कोई कार्रवाई नहीं हुई है, विधायक तरफ से कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं है, ये समस्या जैसे कुछ बनी हुई है। धन्यवाद। आपके क्षेत्र में जो जल निकासी की समस्या है कब से बनी हुई है? दो साल से बनी है, बार नगर बार बना यहाँ से गाड़ी ब्लॉक कर दी है। इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? मुख्य कारण है कि शक्ति नगर मार्ग बंद कर दिया नाली का, वो कहीं पी डब्ल्यू डी शर्मा बोर्ड बनाएगी, इसी वजह से पचास दो साल से कोई काम नहीं हुआ। इस जल निकासी की समस्या में जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो मढ़ियान विधायक हैं उनका क्या? विधायक को दो तीन बार दिया जाने के बाद जब से विधायक दो बार वो कहे नाली बन रही, नाली बन रही, आज तक नाली बनी नहीं, ये समस्या बरसात में पूरा। आप लोग की पूर्णता मांग क्या है इस समस्या के लिए? मांगा कि नाली को छोड़ करके नाली बना जिससे पानी निकल सके, नाली पर गिरा में। क्षेत्रीय दुकानदारों में इसके लिए क्या समस्या है? दुकानदारों के यहाँ तो दुकानदारी पूरा खराब है, दुकान दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, जो पानी लगा दुकानदार। धन्यवाद। मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।